do that. So we can communicate, we can connect with each other, and we can learn better. Fine. So let us start with micronutrients. So whenever we talk about micronutrients, it is उसमें दो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वन इज योर विटामिन्स एंड सेकेंड इज मिनरल्स. बोथ दीज कम इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट विटामिन्स, विटामिन इज वन सेकेंड डिवाइडेड इनटू टू. ओके, सो देर आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फैट सोल्यूबल विटामिन, नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट दीज विटामिन्स आर सोल्यूबल इन फैट. ठीक है, तो ये जो विटामिन्स है वो फैट में सोल्यूबल होते हैं, एंड जो चीज फैट में सोल्यूबल है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती. आपने कभी देखा है ऑयल और पानी को मिक्स होते हुए? नहीं होते हैं वो. उनको मिक्स करने के लिए हमको इमल्सिफाइंग एजेंट्स लगते हैं. ठीक है, सो विच एवर विटामिन्स आर सोल्यूबल इन फैट, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, एंड दोज आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नॉट सोल्यूबल इन फैट. नाउ विच आर दिस विटामिन्स? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. दीज आर द फोर विटामिन्स विच आर फैट सोल्यूबल विटामिन, एंड बिकॉज दे आर सोल्यूबल इन फैट, फैट हैज कैपेसिटी टू स्टोर दिस विटामिन्स. आफ्टर कोविड, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर, पीपल हैव दैट हैबिट ऑफ हैविंग सप्लीमेंट्स. है कि नहीं? वी ऑल आर हैविंग सप्लीमेंट, विटामिन D3 सप्लीमेंट, बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट, विटामिन सी सप्लीमेंट्स. विटामिन सी वाज नेवर प्रिस्क्राइब्ड लाइक इट वाज प्रिस्क्राइब्ड इन कोविड, एंड आई जस्ट कंपेयर द प्राइस. जब भी लास्ट ईयर मार्च में कोविड पैंडेमिक आया, उससे पहले पहले का एक विटामिन सी का मेरे पास ट्रिप पड़ा था, एंड बाद में मैंने दिसंबर 2020 का मैंने एक स्ट्रिप देखा, कॉस्ट में डबल डिफरेंस था. द कॉस्ट वाज डबल्ड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक बिकॉज द नीड वाज डबल्ड, और मे बी नीड वाज 10 टाइम्स मोर बिकॉज इट इज क्लेम्ड दैट विटामिन सी कैन इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, इट कैन हील योर बॉडी. फाइन, सो वंस अगेन वी आर कमिंग टू फैट सोल्यूबल विटामिन. एज द नेम सजेस्ट, फैट कैन स्टोर दीज विटामिन्स, बट दीज विटामिन्स इफ टेकन इन एक्सेस क्वांटिटी कैन ऑल्सो कॉज द प्रॉब्लम इन अवर बॉडी. इन अवर ब्लड, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट, ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट हैज अ नॉर्मल वैल्यू, एंड इट हैज टू बी इन नॉर्मल वैल्यू. इफ देर इज डेफिशियंसी और इफ देर इज मोर क्वांटिटी, बोथ इज हेल्थ हैजार्डस. सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज फोर विटामिन, देयर फंक्शंस एंड देयर फूड सोर्सेस. ओके, ट्राई टू रिमेंबर दैट दीज विटामिन इफ यू आर टेकिंग फॉर एनी ऑफ द एलिमेंट्स, प्लीज टेक अ ब्रेक इन बिटवीन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग विटामिन D3, विच यूजली पीपल टेक, इफ यू आर टेकिंग विटामिन D3, टेक इट फॉर 3 मंथ्स एंड देन टेक 3 मंथ्स ब्रेक. बिकॉज इफ यू हैव टेकन विटामिन D3 कम्स इन द क्वान्टिटी ऑफ 60,000 IU. ओके, आज हम लोग RDA देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. RDA के हिसाब से हम बहुत ज्यादा विटामिन D3 ले रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है. तो आपको कभी भी कोई भी सप्लीमेंट अगर लेते हैं जो फैट सोल्यूबल सप्लीमेंट्स है, प्लीज डोंट टेक इट रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, टेक अ ब्रेक इन बिटवीन. ठीक है, प्लीज अलाउ मी द शेयर द स्क्रीन. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द विटामिन्स टुडे. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दे आर कॉल्ड विटामिन्स. आई विल जस्ट ओके, सो हियर वी कैन सी दैट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वी डू नॉट नीड इन मच क्वांटिटी, दे वी नीड देम इन मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स. एंड व्हाई द नेम विटामिन, दैट वी कैन सी हियर. दिस नेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेयर वीटा इज द मेन पार्ट ऑफ विटामिन, एंड वीटा का मतलब होता है एनर्जी, वीटा का मतलब होता है इम्यूनिटी, गुड हेल्थ.
ओके, सो दीज विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सम ऑफ दीज विटामिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर वाइल अदर्स आर सोल्यूबल इन फैट एंड एज वी कैन सी हियर विटामिन ए डी ई के आर फैट सोल्यूबल एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आर वाटर सोल्यूबल. सो एज द नेम सजेस्ट फैट सोल्यूबल विटामिन बॉडी कैन स्टोर वाटर सोल्यूबल विटामिन वी हैव टू हैव एवरी डे. वी नीड वाटर सोल्यूबल विटामिन डेली बिकॉज इफ वी आर नॉट हैविंग दीज विटामिन बॉडी कैन नॉट स्टोर इट. इट कम्स आउट विद विद द यूरिन एंड देन यू गो फॉर दी व्हेन देन यू आर डेफिशियंट विद दैट विटामिन. सो लेट अस टॉक अबाउट विटामिन ए व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज रेटिनॉल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वेजिटेरियन सोर्स दिस रेटिनॉल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल ओरिजिन. ओके, रेटिनॉल इज अवेलेबल ओनली इन एनिमल ओरिजिन बट इन प्लांट ओरिजिन बीटा कैरोटीन इज देयर एंड बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए. प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है पता है? ये वर्ड आगे भी आएगा. तो प्रिकर्सर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में कोई भी चीज अगर अवेलेबल सेल्स के लिए करवानी है तो हमको मतलब उसके लिए केमिकल बहुत सारे केमिकल स्टेप्स से के द्वारा वो कन्वर्ट होके वो सेल तक जाती है. सो प्रिकर्सर का मतलब है दो जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है उससे एक स्टेप पहले का प्रोडक्ट. सो बीटा कैरोटीन अगर हमारे बॉडी में जा रहा है तो कुछ सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन के बाद इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेटिनॉल इन अवर बॉडी. सो अवर बॉडी विल डू दैट. ठीक है विजय जी, इन बिटवीन थोड़ा सा बोलते रहिएगा तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा नेटवर्क है. इट शुड नॉट हैपन लाइक यस्टरडे दैट आई डिडंट न्यू ओनली के मेरा नेटवर्क चला गया. समवन प्लीज, am I audible? Yes, yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah, you are audible, ma'am. Yes, yes. Because network, when I share the screen, I cannot see you all. So no, plant sources and animal sources. So when we talk about plant sources, as you can see here, everything is yellow, yellow, orange, green, red. Green thoda kam hai, yellow, orange, red zyada hai. So all the yellow and orange vegetables and fruits are good source of vitamin A. Along with that, few specific vegetables, green leafy vegetables, are good source of vitamin A. When we talk about animal sources, flesh food like fish and liver. When we talk about non-vegetarian food, na, aap dekhenge vitamins and protein and minerals. Almost all type of fish mein aapko achhe vitamins, minerals milenge hi milenge. And all the non-vegetarian items will have good amount of protein. It is like 4 times more than what vegetarians get in particular meal. Okay, all the milk and milk products have vitamin A, egg and egg yolk, fats like butter and ghee. But when we talk about the food remedies for any kind of vitamin, then we should always go for plant source because that we have daily. Hum vegetables roj khate but hum roj non veg khayenge aisa zaruri nahi. Please mute. I hope this is very clear everyone, so we can now understand the functions of it. When we talk about functions of vitamin A, it maintains normal vision. Vitamin A is good for vision. Also, vitamin A is necessary for skeletal and tissue growth. It provides us protection against disease. There are so many doctors who were prescribing vitamin A supplement also during COVID pandemic. Okay, so these are the benefits of vitamin, functions of vitamin A. I always recommend my students to remember one function for each vitamin. So if that one function is important, then it is good for vision. You should remember, you should always correlate vitamin with one function. So it is like vitamin A, whenever we talk about, you should remember of vision. Okay. Excessive of vitamin A, almost all the vitamins, if they are in excess, they result in symptoms such as headache, irritability, nausea, vomiting, because body is trying to throw that excess of vitamin out, and because of that you have that irritability, nausea and vomiting. Okay, let us go for vitamin D. Vitamin D, as we all know, we get from sunlight, and once again the precursor of vitamin D is there on our skin.
okay, and that get converted into vitamin D in our body. We can understand this with the help of this figure. When sunlight fall on the skin, the precursor of vitamin D, which is there on skin, get activated. It will undergo a process in liver, and then it will get converted into actual vitamin D. ठीक है, so here once again that precursor is important, and to activate that precursor, sunlight is very important, and that contact of sunlight with your skin is very important. If I wear burkha and I go in sunlight, I go and sit in sunlight, but I am not going to get vitamin D. For that, at least few parts of my body should get exposed in sunlight, and then only this precursor of vitamin D3, which is there on your skin, will get converted into vitamin D3 in our body. And as we all know, vitamin D3 has function of, if vitamin D is not there, calcium will not get absorbed, phosphorus will not get absorbed, okay, and as a result, the person will have less calcium. If vitamin D3 is more, if it is in excess, then there is excessive absorption of calcium, and you will have all the problems related to excess calcium. Let us move ahead and let us understand the next vitamin. This vitamin is once again very important but much neglected. This vitamin is very good antioxidant. Vitamin E or tocopherol work as very good antioxidant. It improves your skin quality. It improves your absorption of protein, absorption of other vitamins too. Okay, so this vitamin is we get this vitamin from vegetable oils like sunflower, corn, groundnut oil. We get it from whole cereals, legumes and pulses, nuts and oil seeds. So almost all the dark leafy vegetables have vitamin E. And jabhi hum RDA samjhenge na, recommended dietary allowance for all these micronutrients and macronutrients, to aapko samajh mein aa jayega ki vitamin E hamare body mein bahut kam lagta hai. Almost negligible. Aapko wo quantity dekh ke samajh mein aa jayega ki wo bahut hi humko kam lagne wala hai. To hum log ne ये जो आइटम्स मैंने प्लांट सोर्सेज या एनिमल सोर्सेज मैंने आपको बताया, उसमें से कुछ एक भी लिया ना, तो हमारा विटामिन ई का डेली कोटा हो जाएगा खत्म. यूजुअली विटामिन ई का सप्लीमेंट्स आर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स लाइक स्किन स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंड वो एंटी एजिंग, जो हमारे बॉडी में एजिंग का एक प्रोसेस है, जो हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं उसको रोकने का काम करता है. दैट इज व्हाई इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स. एंड फंक्शंस जैसे मैंने बताया, इट प्रिवेंट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैटी एसिड्स, दैट इज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, विटामिन ए एंड विटामिन सी इन अवर बॉडी. जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी को डैमेज करके हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको ये रोकता है विटामिन. इट वर्क्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, एंड लेट अस गो टू नेक्स्ट विटामिन नाउ. दिस विटामिन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वर्क्स फॉर ब्लड कोएगुलेशन. अगर आपके बॉडी में विटामिन के कम है तो आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा. ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Please mute. So, जब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जो मैं अंडरलाइन मैंने किया है, इट इज कॉल्ड एज प्रोथ्रॉम्बिन, विच इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोएगुलेशन. उसी के साथ विटामिन के और हमारे जो प्लेटलेट काउंट्स होते हैं वो साथ में मिलके ये काम करते हैं, और वो ब्लड जो ब्लड लॉस है ना उसको रुका देते हैं. एज ए रिजल्ट दैट अदरवाइज ब्लड अगर वो वुंड ओपन रहा ना तो हमारे बॉडी का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा. ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ना वो प्रोसेस कैसे होता है पता है सबको?
ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोटीन हार्मोन भी है एक, वो प्लेटलेट काउंट्स एंड विटामिन के, ये सारे मिला के, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक कट हुआ है या तो यहाँ पे एक वुंड हुआ है, तो उस वुंड को वहां पे वो एक मैश क्रिएट करेगा, वो एक ऐसा लेयर जैसा क्रिएट कर देगा, जैसे हम नेट बनाते हैं ना वैसा वो नेट जैसा हो जाएगा, एंड दैट विल स्टॉप योर ब्लड फ्लो। अगर मैं, मुझे यहाँ पे हाथ में लगा है और मैंने हाथ को ऐसे रखा टूवर्ड्स ग्रेविटी, बहुत ज्यादा वेट ब्लड लॉस होगा, बट मैं अगर हाथ को ऐसे रख रही हूँ या मैं उसको दबा रही हूँ तो ब्लड बाहर नहीं आएगा, दैट ब्लड कोएगुलेशन विल बी फास्टर इफ आई एम कीपिंग माई हैंड अगेंस्ट ग्रेविटी एंड आई एम प्रेसिंग इट। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लगा है और यहाँ पे मैंने एक बेल्ट बांध दिया या एक रुमाल बांध दिया, तो भी वो ब्लड को रोक देगा। ये सारी चीजें ब्लड कोएगुलेशन को बेटर करती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल ब्लीडिंग, ये हमने एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात की, पर जब भी डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, ये सब बीमारियों में जब भी आपके प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है, एंड दैट इंटरनल ब्लीडिंग मे कम आउट फ्रॉम योर ईयर्स, फ्रॉम योर नोज, इट कम्स आउट इन योर स्टूल्स, ठीक है। तो वो इंटरनल ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने के लिए विटामिन के सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पीपल डोंट नो अबाउट इट। ओके ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ वाटर सोल्यूबल विटामिन नाउ। ओके, वाटर सोल्यूबल विटामिन में वी हैव विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे विटामिन हैं। सो देर इज B1, B2, B3, B6, B9, B12, अभी B15 भी आ गया है, ठीक है। तो दीज ऑल टुगेदर वर्क्स फॉर अवर इम्यूनिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर सोल्यूबल विटामिन, दे एक्चुअली मेक अवर इम्यून सिस्टम बेटर, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन, आई एम नॉट गोइंग वेरी मच इन डीप बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल, आई एम जस्ट टचिंग द फंक्शंस एंड द सोर्सेस। ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, एंड हियर जस्ट जस्ट टू नो द नेम्स, सो सॉरी आई एम गेटिंग सो मेनी नोटिफिकेशंस। ओके, सो हियर वी कैन सी विटामिन B1 इज कॉल्ड एज थायमिन, विटामिन B2 इज कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 इज कॉल्ड एज नियासिन। ओके, एंड ऑल दीज वर्क फॉर योर, जस्ट गिव मी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ना जस्ट गिव मी अ सेकेंड। खुशी, तुझे टीम्स जब वो बताया नोटिफिकेशन, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस विजय जी, प्लीज नोटिफिकेशंस आर एक्चुअली ट्रबलिंग मी। सो लेट अस स्टार्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट विटामिन B1, B2 एंड B3, ओके, दे आर वेरी, दे आर गुड इन ऑल द होल ग्रेन्स। व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड होल ग्रेन्स, बिकॉज दीज व्हेन व्हेन वी रिफाइंड दीज ग्रेन्स टू मेक, टू पॉलिश देम और टू मेक देम लुक ब्यूटिफुल, लुक गुड इन दैट, इन दैट रिफाइंड रिफाइंड प्रोसेस, एंड इन दैट प्रोसेस इन विच दे कुक these grains, this vitamin B1 is lost. So जब भी हम राइस बनाते हैं, ठीक है, तो हम जो लोग भी राइस का पानी निकाल देते हैं और वो कांजी निकाल के जो राइस खाते हैं, तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो अच्छा होता है वो निकल जाता है। तो यू, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एज अ डेली प्रैक्टिस, वंस इन अ वाइल इफ यू आर, if you are making some biryani or pulao, at that time if you are throwing that water and having rice, it is absolutely all right, but day to day life you should not follow this practice. When we talk about non vegetarian sources,
organ meat, liver, milk and milk products, egg yolk and dry yeast are good source of vitamin B1. Okay. When we talk about the deficiency of vitamin B1, it is called as wet beriberi and dry beriberi. We will not go in detail because it is not useful for us. Let us talk about vitamin B2 now, and it is called as riboflavin. And when we talk about riboflavin, it is widely distributed in plant and animal, both the foods. So once again, you will see here whole grain, cereals, legumes, and especially when they are sprouted, and tender green leafy vegetables. If you see the source of vitamin B1, B2, B3, all are almost same. All the green leafy vegetables, all the whole grains, legumes and pulses will have vitamin B1, B2, B3 together. And for the non-vegetarian source, once again, you can see all the sources are same. And deficiency of this vitamin, ये है ना, बच्चे लोग में बहुत पाया जाता है. Inflammation of lips and tongue, cracks at the corner of the lips. ये वाला जो सिम्टम है ना, ये हमेशा हम लोग कोरिलेट करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी के साथ. कभी भी अगर हमको मुंह में छाले आ गए ना, तो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. छोटे बच्चों को लिप्स के साइड में कॉर्नर पे क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो क्रैक्स अगर आए, टंग में क्रैक्स आए, तो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. बट दिस इज टिपिकली बिकॉज ऑफ विटामिन B2 डेफिशिएंसी. बट हमारे यहाँ पे इंडिया में वी डोंट गेट इंडिविजुअल विटामिन बी सप्लीमेंट्स एक्सेप्ट फॉलिक एसिड. सो इसीलिए ऐसा होता है कि डॉक्टर जब भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं. दे डोंट प्रिस्क्राइब विटामिन B1 एज सच, B2. बट आउट ऑफ इंडिया, अदर कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये प्रैक्टिस है कि अगर मुझे मुंह में छाले आए हैं, अगर मुझे यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं, टंग में क्रैक्स आ रहे हैं, तो दे विल प्रिस्क्राइब ओनली विटामिन B2. बट हमारे यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, ओके. लेट अस मूव टू थर्ड विटामिन, दैट इज नियासिन, विटामिन B3. When we talk about niacin, it once again has the same sources, plant sources, legumes and pulses, nuts and oil seeds, and green leafy vegetables. And flesh food may be wahi hai, meat, poultry, milk and milk products, eggs. Now, function of niacin is something which is connected to fat metabolism. यहाँ पे क्या होता है, ये जो niacin है ना, वो कुछ ऐसे enzymes को रिलीज करने में हेल्प करता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में यूज होता है. द कोएंजाइम व्हिच हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, एंड दैट कोएंजाइम का जो पार्ट है वो नियासिन है. तो अगर आपके बॉडी में विटामिन B3 का डेफिशिएंसी है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाएगा. एज ए रिजल्ट, जो एनर्जी आपको मिलना चाहिए वो एनर्जी नहीं मिलेगा, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो भी नहीं होगा. ओके, एंड इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, इंटेस्टाइन एंड नर्वस सिस्टम. एंड यहाँ पे दिस विटामिन B3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 कॉज पेलेग्रा. हमको ये एक टाइप का स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का डिजीज है, इसके बारे में हमको ज्यादा जानना जरूरी नहीं है. बट इसके जो फोर डिजीज, ये जो फोर डीज है ना, वो हम एक बार देख लेते हैं. तो जब भी विटामिन नियासिन का डेफिशिएंसी रहेगा, यू विल हैव डर्मेटाइटिस, मतलब डर्मा इज स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन. तो स्किन का कोई भी टाइप का आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा. जैसे हमने बात किया इंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए भी ये अच्छा है. तो डायरिया, डायरिया इज रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, लूज मोशन इज वन फॉर्म ऑफ डायरिया. देन थर्ड इज डिमेंशिया, डिमेंशिया इज रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम,
And there are nervous changes, and because of that, you have insomnia, irritability, fear and depression, forgetfulness. Dementia को हमेशा forgetfulness के लिए ही use किया जाता है. And severe deficiency case में death भी हो सकती है. It is that severe, but ये इतना ज्यादा common नहीं है. Vitamin B3 deficiency is not that common in India at least. So we need not worry about it. And let us move to the next vitamin, that is vitamin B6, which is also called as pyridoxine. Okay, this is very beneficial for central nervous system. So, यहाँ पे अगर कोई भी nerve related problem है ना, तो उसके लिए ये वाला जो vitamin है, वो काम करता है. It is a water soluble vitamin definitely, so it is not stored by body, so we have to take it daily. And other functions में देखेंगे ना, तो ये जो pyridoxine है ना, ये हमको hemoglobin के manufacturing में भी help करता है. Okay, and vitamin B6 related hemoglobin deficiency होता है. Vitamin B12 deficiency related hemoglobin deficiency भी होता है. It can cause anemia when there is less hemoglobin and less vitamin B6. Okay, and यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या इसके symptoms है, signs and symptoms of vitamin B6 deficiency, peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy is very common in diabetes patient. Peripheral का मतलब होता है it is away from center line. So my hands, my fingers and my toes are peripheral organs. And वहां पे जो nerve sensation है वो अगर properly नहीं पहुंच रहा है तो उसको peripheral neuropathy बोलते हैं. Okay, इसके signs क्या होते हैं? Tingling, numbness. ये हमेशा होता है ना, काफी लोगों को पैर नम हो जाना, हाथ अगर एक ही पोजीशन में रखा है तो वो नम हो जाना, पेन होना, मुंगी मुंगी आ रही है वैसा लगना, ये सारे सिम्टम्स हैं विटामिन B6 एंड B12 के डेफिशिएंसी के. जैसे हम B12 पे पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों को रिलेटेड है. दिस इज वंस अगेन एनीमिया, उसकी वजह से हो सकता है. एंड अनिमिया में भी ये टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह, नमनेस वगैरह होना स्वाभाविक है, बिकॉज जो पेरिफ्रल सेल्स हैं हमारे बॉडी में वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है. अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एज ए रिजल्ट वहां पे आपको नमनेस होगा. सीजर्स, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, वीकेंड इम्यून सिस्टम, दीज आर नॉट दैट वेरी कॉमन. पेरिफ्रल न्यूरोपैथी एंड एनीमिया इज कॉमन. ओके, सो दिस विटामिन इज वंस अगेन इट रिस्पॉन्सिबल फॉर माउथ अल्सर्स along with vitamin B2. और आगे बढ़ते हैं and we will see vitamin B9, which is also called as folic acid. This folic acid is the supplement which is prescribed to a lady before conception. Whenever a couple is planning for a baby, it is prescribed to the lady before that, because a fetus का जो सबसे फर्स्ट पार्ट जो डेवलप होता है वो नर्वस सिस्टम होता है. एंड विद इन 3 months ऑफ कंसेप्शन नर्वस सिस्टम बच्चे का तैयार हो जाता है. एंड अगर एक बार प्रेगनेंसी पता चला, फॉर एग्जाम्पल यूजुअली 1-1.5 महीने के बाद ही प्रेगनेंसी पता चलती है, तब तक उसकी आधी नर्वस सिस्टम फीटस की बन चुकी होती है. दैट इज व्हाई इट इज प्रिस्क्राइब्ड बिफोर कंसेप्शन व्हेन द कपल इज प्लानिंग फॉर द बेबी. इट इज दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड फॉर्मेशन ऑल्सो. यहाँ पे आप देखेंगे तो रोल इन ब्लड फॉर्मेशन भी आपको दिखाई देगा. एंड ये 3 टाइप के सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. Okay, and this is very important for the proper development of red blood cells. जो bone marrow में जो red blood cells बन रहे हैं, अगर folic acid की deficiency है तो वो red blood cells भी ठीक से नहीं बनेंगे. इसीलिए folic acid pregnant ladies को and normally जिनको anemia है उनको दिया जाता है.
let us move to next vitamin, final we can say in the list, that is cyanocobalamin, vitamin B12. This vitamin is once again connected with the deficiency of hemoglobin. Red blood cells ke liye bone marrow mein jo production jo maine aapko bataya, the same thing is happening here also. And cobalamin is another name of vitamin B12. तो आप जब भी supplement पे देखेंगे तो कहीं कहीं cyanocobalamin लिखा होता है, कहीं कहीं cobalamin लिखा होता है. And this product is once again very very well seen in all the animal products. आप देखेंगे तो you can see all the animal products have very good amount of vitamin B12. But आप plant source देखेंगे तो it does not occur in any plant food. तो जब भी विटामिन बी ट्वेल्व का डेफिशिएंसी रहेगा आपको डेफिनेटली, अगर आप वेजिटेरियन है तो डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, एंड नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेस पे फोकस कीजिए. यूजुअली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें विटामिन बी ट्वेल्व का डेफिशिएंसी बहुत कम पाया गया है. इट इज वेरी प्रोमिनेंट इन वेजिटेरियंस, नॉट इन नॉन वेजिटेरियंस. ठीक है. And now we are at the last vitamin, that is our vitamin C, ascorbic acid, and it is seen almost in a lot of plant sources. Unme se sabse main source is this amla. It is very good. It is in good amount in guava also. Humko hamesha lagta hai ki oranges, मौसम्बी, लेमन, लाइम, ये सारी चीजों में विटामिन सी ज्यादा है. बट एक बार आप गूगल करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि विटामिन सी इज हाईएस्ट इन आंवला एंड गुआवा. दीज आर द टू प्रोडक्ट्स विथ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, एंड दीज आर चीपेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स विच इज हैविंग 20 टाइम्स मोर विटामिन सी कम्पेयर टू अदर एक्सपेंसिव सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लाइम. अदर सोर्स इज ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स. Animal products actually doesn't have much vitamin C. It is more in plant sources. Along with that, I want to highlight one more thing here. Vitamin C is highly volatile. The moment you heat it, it is gone. इसीलिए हमेशा हमारे जो एंसेस्टर्स है वो हमेशा बोलते थे कि नींबू अगर निचोड़ रहे हैं दाल में या सब्जी में तो ऊपर से निचोड़ना चाहिए, नींबू को गर्म नहीं करना चाहिए. बिकॉज उसको जब जैसे ही आप गर्म करते हो वो वैनिश हो जाता है, वो उड़ जाता है, इट ब्रेक्स डाउन. ठीक है. यहाँ पे फंक्शन देखेंगे तो इट इज गुड फॉर वुंड हीलिंग, एंड जो मैंने आपको बोला था एक कोलेजन करके प्रोटीन है जो हमारी स्किन को नॉर्मल रखने में, इंजुरीज को ओवरकम करने के लिए, वुंड हीलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है. वो उसका फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट. सेकेंड मोस्ट, प्लीज मार्क दिस एंड रिमेम्बर दिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. अगर आपके बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो आयरन विल नॉट गेट एब्जॉर्ब. आयरन अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनेगा. हीमोग्लोबिन अगर नहीं बनेगा तो जो ऑक्सीजन सप्लाई पूरे बॉडी में सेल्स को मिलना चाहिए वो नहीं बनेगा. सो दिस इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू आयरन डेफिशिएंसी, दैट इज एनीमिया. ओके. एंड डेफिशिएंसी इज यूजुअली नॉट सीन फॉर विटामिन सी, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट इट, एंड वी विल डायरेक्टली मूव टू द मिनरल्स, दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फरस. फर्स्ट मिनरल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे is calcium and phosphorus, and we all know that these minerals are important for your skeletal system to keep your bone health proper, to keep the strength of your bones. These minerals are very important, and they both are stored in your bones, especially your long bones. All the milk products, if you can see all the products, almost many of the leafy vegetables and non-vegetarian sources are good source of calcium. We all know that milk is very good source of calcium. मैंने कल आपको एक homework दिया था. I just want to discuss that for a minute, right? Okay. So we were discussing about the sources of calcium. उसमें से काफी लोगों ने बता दिया
काफी सारे सोर्सेस, बट आई हैव रिटन हियर मिलेट सच एज रागी इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, इवन लेज्यूम्स एंड पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स, स्पेशली सेसमे सीड्स एंड पॉपी सीड्स. पॉपी सीड्स मतलब खसखस. एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट्स, ब्लैक करंट्स, ड्राई डेट्स, दीज आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. एनिमल प्रोडक्ट्स में वी ऑल नो ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, एंड इवन सी फूड्स लाइक क्रैब्स एंड प्रॉन्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. ओके, एंड फॉस्फरस के बारे में अगर देखेंगे तो फॉस्फरस इज इन गुड अमाउंट इन सीरियल्स. ठीक है, जो भी सीरियल्स हम खाते हैं, फिश, पोल्ट्री, फ्रूट्स, जो भी खाते हैं, वो सारे फॉस्फरस, जिसमें कैल्शियम होता है ना उसमें थोड़ी मात्रा में फॉस्फरस होता ही है. तो फॉस्फरस के जो सोर्सेस है उसको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है. दोनों का डेफिशियंसीज ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड, एंड दोनों का फूड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गोइंग हैंड इन हैंड. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम. डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस. हमको ऐसा लगता है कि कैल्शियम का रोल सिर्फ स्केलेटल सिस्टम के लिए ही है, बट अलॉन्ग विद दैट कैल्शियम इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ ऑल्सो, इट इज गुड फॉर ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो, इट इज गुड फॉर नर्वस सिस्टम ऑल्सो. तो कैल्शियम डेफिशियंसी अगर किसी को रहेगा ना, वो अगर हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट विल प्रिस्क्राइब कैल्शियम सप्लीमेंट टू दैट पेशेंट फॉर श्योर. ओके, मस्कुलर, बिकॉज ये जो कैल्शियम है ना, उसका जो मेन अदर रोल अदर देन स्केलेटल सिस्टम इज रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. एंड हमारे हार्ट में स्पेशल एक टाइप के मसल्स होते हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, एंड ये कार्डियक मसल्स 172 टाइम्स इन अ मिनट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं. सबसे ज्यादा अगर कोई मसल्स काम कर रहा है हमारे बॉडी में तो वो कार्डियक मसल्स है. एंड अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो ये जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो एक रिदम है वो ब्रेक हो जाएगी. ओके, सो दैट इज वाई कैल्शियम सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मस्क्यूलर हेल्थ ऑल्सो एंड स्पेसिफिकली फॉर योर हार्ट. अलॉन्ग विद दैट इट एड्स टू द ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस बिटवीन नर्व सेल्स, एंड इट ऑल्सो एड्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो जहां पे हम लोग विटामिन के का बात कर रहे थे उसी के साथ कैल्शियम का भी रोल है फॉर ब्लड क्लॉटिंग. फॉस्फरस का वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल बिकॉज बहुत ज्यादा वो साथ में ही जाता है. इवन मैग्नेशियम गोज हैंड इन हैंड. मैग्नेशियम का जो मेन रोल है, एक तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए है, अलॉन्ग विद दैट इट सपोर्ट्स योर हेल्दी इम्यून सिस्टम. ठीक है, इसी के साथ ये जो मेटाबॉलिज्म है जो प्रोटीन का, उसको बेटर करता है. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज बेटर इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. And foods which contain magnesium are fruits, definitely green leafy vegetables, fruits, nuts and seeds, legumes and seafood. When we talk about magnesium, it is highest in seafood. It is highest in non-vegetarian sources. ठीक है? Let us talk about the most deficient mineral in females, that is iron. And there are different reasons for it, and there are various functions of iron. So first of all, let us understand the sources. यहाँ पे garden cress seeds लिखा हुआ नहीं है. I will add that you get iron in all the whole grains, legumes. You get it in dry fruits, in green leafy vegetables, in jaggery. And rice flakes. And animal source के लिए liver is the excellent source because liver stores iron. So organ meats में liver is the best source and egg yolk. There are numerous functions of iron. First of all is carrier of oxygen जो मैंने पहले ही बता दिया है. Then muscle contraction के लिए भी iron is important. Then third is iron plays very important role in conversion of beta carotene to vitamin A.
ये हम लोग ने देखा था जो एक एक स्टेप में बीटा कैरोटीन जो प्रिकर्सर है रेटिनॉल का वो कन्वर्ट हो रहा है रेटिनॉल में विद द हेल्प ऑफ आयरन. एंड लास्ट वन इज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. कल जैसे मैंने बताया था कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें से अगर सेल्स को एनर्जी मिल रही है तो उसके लिए 48 स्टेप्स का एक केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है. तो अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग चीजें लगती हैं. ओके एंड जैसे हम लोग हमने आगे भी देखा विटामिन्स के बारे में भी, तो दीज पर्टिकुलर विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म. इन द सेम वे हिमोग्लोबिन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आयरन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दीज मेटाबॉलिज्म. ओके एंड इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो इट ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी को बेटर करने के लिए, लर्निंग अटेंशन स्पैन को बेटर करने के लिए. जो जो लोग भी विटामिन डेफिशिएंट होते हैं, सॉरी आयरन डेफिशिएंट होते हैं ना, उनका फोकस, उनका मेमोरी इज लॉस्ट बिकॉज उनके सेल्स भी लेथार्जिक होते हैं. वैसे ही उनके ब्रेन के सेल्स भी लेथार्जिक हो जाते हैं. एज ए रिजल्ट दे डोंट रिमेम्बर, दे कैन नॉट फोकस. डेफिशियंसी इज कॉल्ड एज एनीमिया. हमने पहले भी देखा B6 एंड B12 के साथ. इट इज फाउंड कॉमनली इन इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको मेल का कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा बिकॉज किड्स एंड फीमेल्स आर मोर प्रोन टू, गर्ल्स किड्स एंड फीमेल्स आर मोर प्रोन टू आयरन डेफिशियंसी. एंड पता कैसे चलेगा, पेल स्किन, पेल कंजक्टिवा. कंजक्टिवा मतलब जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर को अगर चेक करना है कि आप में हीमोग्लोबिन कम है तो वो आपके नेल्स देखेगा, वो आपके लिप्स को देखेगा, वो आपके टंग को देखेगा, अलोंग विद दैट आपकी आंखों के आजू बाजू, आंखों के अंदर मतलब आई मीन टू से योर आई बॉल के आजू बाजू जो एक वाइट कलर का पूरा जगह है उसको देखेगा. इफ ऑल दीज थिंग्स आर पेल एंड इफ यू आर फीलिंग ब्रेथलेसनेस, ही विल कंसिडर इट एज अ आयरन डेफिशियंसी. अभी जब भी आयरन एक्सेस होता है ना तो क्या होता है, इट गेट डिपॉजिटेड इन लीवर, लंग्स, पैंक्रियाज एंड अदर ऑर्गन, स्पेसिफिकली लीवर. बट यूजली आयरन एक्सेस भी बहुत रेयर है, इट इज नॉट दैट वेरी कॉमन. नाउ वी आर कमिंग टू दैट इंग्रेडियंट विच इज रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी बट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडियंट, दैट इज आयोडीन. ओके ये आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दिस इज रिलेटेड टू थायरॉयड मेटाबॉलिज्म और फंक्शंस ऑफ थायरॉयड. तो जो थायरॉयड ग्लैंड है वो क्या करता है, वो दो हॉर्मोन बनाता है, वन इज T3 एंड अदर इज T4. एंड जब भी आपके बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो ये दोनों हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे, ये दोनों हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे या तो कम बनेंगे. तो और एक हॉर्मोन है जो बढ़ जाएगा, दैट इज TSH. एंड इफ योर TSH गोज अबव 5.4, इट इज कंसिडर्ड दैट योर थायरॉयड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट इज नॉट सिक्रीटिंग T3 T4 एज रिक्वायर्ड. बट यहाँ पे कल्प्रेट कौन है, आयन. ठीक है, अभी ये जो आयन है ना इसके लिए बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं है, बिकॉज आयन इज देयर इन गुड क्वांटिटी इन द सॉइल. ओके सो जो जो सॉइल में हम कल्टीवेशन करते हैं, ग्रेन्स उगाते हैं या तो फ्रूट्स या तो वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो थ्रू द सॉइल इट कम्स इन द ग्रेन्स इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बट दैट इज नॉट सफिशियंट. एंड बिकॉज इट इज नॉट सफिशियंट, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज फोर्टिफाइड सॉल्ट विथ आयोडीन एंड इट इज कॉल्ड एज आयोडाइज्ड सॉल्ट. दैट इज वाई जो सॉल्ट है उसको आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं, बिकॉज उसमें आयोडीन एड किया हुआ है. बिकॉज सॉल्ट इज द कॉमनेस्ट एंड चीपेस्ट थिंग which each and every individual will use in cooking. And each and every individual will keep getting iodine as a
by product or as a additional fortified product in salt. तो फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, गोइटर इज द नेम विच इज मेडिकली यूज फॉर आयरन डेफिशिएंसी. एंड गोइटर में क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना वो बड़ा हो जाता है, एनलार्जेस. ओके, एंड ये एनलार्ज क्यों होता है, बिकॉज वो ट्राई ज्यादा से ज्यादा काम करने की ट्राई कर रहा है, बट जबकि आयोडिन नहीं है तो T3 T4 नहीं बन सकता है. तो दैट इज आयोडीन डेफिशियंसी. एंड जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट इज द इजिएस्ट वे टू अवॉइड आयरन डेफिशियंसी, आयोडीन डेफिशियंसी इन कॉमन पीपल. ठीक है, ये वाला जो है ना पार्ट, ये थोड़ा हम लोग एक बार ऊपर से ग्लैंस देख लेते, बिकॉज दीज आर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड ये माइक्रो से भी कम मात्रा में हमको लगते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ सोडियम आई एम गोइंग टू रिक्वायर इन मिलीग्राम, दीज जो इलेक्ट्रोलाइट्स आई विल रिक्वायर इन माइक्रोग्राम. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोग्राम दिस इज द साइन, व्हेन वी टॉक अबाउट मिलीग्राम दिस इज द साइन. सो इट इज रिक्वायर्ड इन दैट लेस क्वांटिटी, बट दे चैनलाइज द होम्योस्टेसिस. वो हमारे बॉडी में जो एक बैलेंस है ना उसको बना के रखने का काम करते हैं. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम. ठीक है, ये जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स है वो फ्लूइड्स को मूव करते रहते हैं. वो फ्लूइड्स में जो एक बैलेंस चाहिए एसिड और अल्कली का, वो बैलेंस को क्रिएट करने के लिए दे हेल्प. They have function in muscle and nerve functioning also. Proper functioning of muscles and nerves ke liye bhi they are required. And along with that, sodium chloride and potassium chloride hamare cells mein hamesha hote hain. Theek hai? जब भी हम बात करते हैं तो वी नीड 1 gram ऑफ सोडियम. ये हम लोग देख लेंगे अभी आगे, जब भी RDA हम लोग डिस्कस करेंगे. And इनके जो sources है, let us check those sources now. So sodium is naturally present in all foods. Okay, and excess is in table salt. जो भी हम लोग packaged food खाते हैं, sausages, dressings, canned foods, fast foods, instant packets, salted nuts, snacks, ये सभी चीजों में बहुत ज्यादा salt होता है. इसीलिए salt is what? Sodium chloride, NaCl is salt. ठीक है, तो वो नेचुरली हर एक प्रोडक्ट में है, बट हम सॉल्ट तो खाते ही है. सॉल्ट के बगैर जो टेस्ट है वो खाने का अच्छा नहीं होगा, तो उसमें हम एडिशनल ले ही रहे, तो इसका डेफिशिएंसी बहुत बहुत ही रेयर होता है. ओके, एंड पोटेशियम के लिए अगर हम देखेंगे तो मीट, पोल्ट्री, फिश एंड आर गुड सोर्स. एंड अमंग द प्लांट फूड्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, banana is very good source of potassium. Potatoes, carrots, tomatoes, lemons are also very good source of potassium. जब भी किसी को हार्ट अटैक आया है, ठीक है, अगर किसी को हार्ट डिजीज है या किसी को अटैक आया है, तो उनके बॉडी में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं. स्ट्रोक या जब भी हार्ट डिजीज, एनी टाइप ऑफ हार्ट डिजीज रहेगी, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं. तो तभी इन दोस केसेस डॉक्टर्स ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्लड टेस्टिंग रेगुलरली करते हैं. एंड अगर इसमें से कुछ इम्बैलेंस है तो दे विल ईदर आस्क यू टू टेक मोर सोडियम. मतलब कभी आई हैव सीन इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट, अगर सोडियम क्लोराइड कम हो गया, इट इज लाइक इनवेरिएबली अगर पोटेशियम बढ़ गया तो सोडियम और क्लोराइड कम होते हैं, सोडियम और क्लोराइड बढ़ गया तो पोटेशियम कम हो जाते हैं. तो ये सीसॉ के जैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में. ठीक है, तो अगर पोटेशियम बढ़ गया है तो फिर उनको स्पिनैच, बनाना, पोटेटोज, ये सारी चीजें कम खाने को बोलते हैं. नारियल पानी, नारियल पानी इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम. एंड अगर आपके बॉडी में सोडियम और क्लोराइड कम हो गए हैं तो उनको बढ़ाने के लिए वो एक्सेस सॉल्ट खाने को बोलते हैं. दे समटाइम्स जस्ट पानी में सॉल्ट डाल के उसको मिक्स करके पीने को बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. So we have completed with all the micronutrients now, and we are going to move to the
next topic for today, that is energy. And Vijay ji, आप अगर एक मिनट के लिए recording stop करे तो मैं करे sir. Okay. So let us understand energy, energy requirement, energy expenditure. ये सभी चीजें क्या है? Okay. So. नहीं सॉरी ओके सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे डेफिनेशन ऑफ एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट मतलब हमको कितना एनर्जी दिन में लगेगा एंड हमारा बॉडी कितना एनर्जी को यूज कर रहा है दैट इज योर एक्सपेंडिचर डेफिनेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मल वैल्यूज क्या है एनर्जी के और बेसल मेटाबॉलिक रेट के वंस अगेन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट बिकॉज BMR इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है और रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस क्या क्या है ठीक है वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स So let us understand the definition of energy. When we talk about definition of energy, it is defined as energy is defined as the capacity to do work. So if we don't have capacity, हम बोलते हैं energy ही नहीं है मुझमें. ठीक है? And this is the first foremost function of food. आपको energy कहाँ से आएगी? तो वो आपको food में से मिलेगी. So it is very, very, very important function of food. And this function keeps us moving. Agar hum khana normal matra mein khate hain, jaise yoga mein hum baat karte hain about the concept of mit ahar and yukta ahar. Agar wo concept ko hum follow karte hain na, to hum life mein kabhi bimari nahi padenge. Hum wo concept ko follow nahi karte hain. Kuch cheeze humko bahut zyada pasand hai, kuch cheeze bilkul bhi pasand nahi hai. तभी ही आपका बॉडी में ओवरवेट या अंडरवेट वाला जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगा अदरवाइज यू कैन मेंटेन हेल्दी वेट एंड यू कैन मेंटेन हेल्थ थ्रू आउट योर लाइफ विदाउट डूइंग एनीथिंग जस्ट हैविंग अवेयरनेस अबाउट व्हाट टू ईट इन व्हाट क्वांटिटी एट व्हाट टाइम ठीक है सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फूड एनर्जी क्या है Okay, so food energy is defined as energy released from carbohydrates, fats, and proteins and other organic compounds. यहाँ पे other organic compounds के बारे में हम discuss नहीं करेंगे. We will discuss about energy released from carbohydrate, fat, and protein. जैसे कल ही मैंने बोला था, carbohydrate is very first source for energy consumption. अगर carbohydrate available नहीं है, तो body फैट यूज करेगी और अगर फैट नहीं है तो ही बॉडी प्रोटीन यूज करेगी व्हेन द थ्री मेजर कैलोरीजेनिक न्यूट्रिएंट्स इन फूड आर बर्नड एंटायरली विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड कैलोरीज तो हम लोग ने कल कैलोरीज के बारे में डिस्कस किया था 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ाता है तभी 1 कैलोरी और 1000 किलो कैलोरी विल गेट अवेलेबल ठीक है सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ एंड गो टू कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी नाउ देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी ये 3 कंपोनेंट्स क्या है फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी तो ये एनर्जी क्या है Energy needed to maintain essential physiological functions, including growth, pregnancy, and lactation. यहाँ पे including growth, pregnancy, lactation लिखा है. Then what are the other functions? Other functions which goes on involuntarily in your body. That is beating of your heart, functioning of your lungs, functioning of your digestive system, functioning of the kidney. जो भी ऑर्गन्स इनवॉलेंटरीली काम कर रहे हैं दे नीड एनर्जी राइट दे नीड एनर्जी तो वो जो एनर्जी यूज होती है उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट फॉर एग्जांपल
मेरी बॉडी 1300 कैलोरीज यूज कर रही है फॉर ऑल दिस फंक्शन, तो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा, मतलब मैं कुछ भी नहीं खा रही हूं तो भी मेरे बॉडी को 1300 कैलोरीज तो लगने ही वाले हैं। तो इसके साथ जब भी मैं ऐड कर दूंगी, मेरी बॉडी जितना एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रही है तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना कैलोरीज खाना है टू मेंटेन माय वेट। सो अवर वेट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, सेकेंड वन इम्पोर्टेंट, सेकेंड कंपोनेंट इज थर्मो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मोजेनेसिस मतलब जो जब भी हम खाना खाते हैं तो हीट जो प्रोड्यूस होती है ना फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोजेनेसिस। तो ये जो हीट जनरेट होती है वो भी एनर्जी यूज करती है। ठीक है, थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटी। सो व्हाटएवर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट वी आर डूइंग, इफ आई एम डूइंग जुम्बा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉक, योगा, पिलाटेज, कुछ भी मैं एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उसमें जो कैलोरीज बर्न होती है दैट कम्स इन फिजिकल एक्टिविटी। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिला के आपको बताते हैं कि आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, योर एनर्जी एक्सपेंडिचर इज सिंपली द नंबर ऑफ कैलोरी यूज बाय द बॉडी। तो अगर मुझे पता है कि मेरी बॉडी 1500 कैलोरीज यूज कर रही है एंड उसी के साथ मैं फिजिकल एक्टिविटी से और 200 कैलोरीज स्पेंड कर रही हूँ, तो माय टारगेट विल बी, माय एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी 1700 कैलोरीज। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी दैट शुड बी ईटन टू कंपनसेट द कैलोरिक एक्सपेंडिचर, जो मैंने अभी आपको बताया मेरे केस में 1500 कैलोरीज है। ठीक है, it is important to learn these energy expenditure and energy requirement to have a good energy balance. Okay, am I making sense? Is this clear everyone? Let us move ahead. Yes ma'am. Thank you. If you know a little bit about your energy expenditure, I am going to teach you how to understand and approximate metabolic rate, that is your BMR. You can give a picture of about how much you should eat in a day. It is very important that the estimates of the energy requirements is considered for longer period of time. Okay, because hamara jo energy requirement hai na wo as per activity change hote rehta hai, to humko jo bhi hum target karenge wo long term target karna hai. Theek hai, now energy requirements, sorry, energy requirement depend on many of the factors. Okay, it depends on the work activity. Yahan pe hum dekh sakte hain, it depends on work activity. It depends from person to person, age, gender, body weight and BMR of a person. जैसे मैंने कल दो लेडीज का एग्जाम्पल दिया था कि एक मोटी दिखती है एक पतली दिखती है, जबकि दोनों का वेट सेम है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दीज factors and specifically because of that basal metabolic rate, that is BMR. Okay, now ye assess kaise karenge, to wo assess karne ke liye there are two ways. One is ideal body weight. Dekhiye ideal body weight dekhne ke liye aapko kya karna hai, aapko sirf google pe dalna hai ideal body weight for so and so gender and so and so height. तो आपका हाइट एंड जेंडर के हिसाब से वो एक आपको पर्टिकुलर रेंज बता देगा। अगर आप वो रेंज में हो तो आपका वेट नॉर्मल है। अदर वे इज टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। अभी ये बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, बॉडी मास इंडेक्स दैट इज BMI इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। आपका जो हाइट है ना वो आपको मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना है। ये आपका जो BMI है वो अगर आपका 18 to 25 के बीच में है देन योर वेट इज नॉर्मल, बट अगर आपका BMI 18 से नीचे है तो आप अंडर वेट हो, अगर आपका BMI 25 से ऊपर है तो आप ओवर वेट हो, अगर ये BMI 30 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी में आ गए। ओके, सो 18 to 25 इज द
नॉर्मल बीएमआई। सो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट आप बराबर से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, ये दो क्राइटेरिया। ओके, दस द एनर्जी रिक्वायरमेंट आर प्रेजेंट सेपरेटली फॉर ईच जेंडर एंड वेरियस एज ग्रुप्स एंड आर एक्सप्रेस्ड बोथ एज एनर्जी यूनिट्स पर डे एंड एनर्जी यूनिट्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अभी हमारे इंडिया में हम लोग पर किलोग्राम नहीं करते हैं, हम पर डे एनर्जी के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। सो हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे, पर डे कितना हमको एनर्जी चाहिए, विच मीन्स पर डे हाउ मच किलो कैलोरी आई शुड कंज्यूम। दिस इज एज पर योर जेंडर, एज पर योर वर्क, व्हाट वी कैन से वर्क कैपेसिटी, आप जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। सो एनर्जी इज इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट किलो कैलोरीज, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो देर आर फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिकल इन्फ्लुएंसेस। किसी का, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर जीन्स में ही मतलब आपके फैमिली में सभी लोग अंडर वेट है, सभी लोग पतले हैं, तो आप हमेशा आप मोटे होने का कितना भी ट्राई करो आप बहुत ज्यादा मोटे नहीं होंगे। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ही हेल्दी हैं तो आप बॉर्न हेल्दी हो और आपके जीन्स के हिसाब से आप बहुत ज्यादा पतले नहीं दिखोगे। क्लासिकल एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना तो सोनाक्षी सिन्हा कितना भी पतली हो जाए वो पतली नहीं दिखेगी, बिकॉज उसके जीन्स वैसे हैं। देन योर साइकोलॉजिकल बिहेवियर इन्फ्लुएंस योर वेट, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, व्हेन यू आर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड और स्ट्रेस यू बिकम विक्टिम ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। ओके, और ये ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, बुलेमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो यहाँ पे आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मतलब आपका, आप जब भी स्ट्रेस में होते हो ना तो आप ओवर ईटिंग होने का टेंडेंसी होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो अफेक्ट होगा। आप ज्यादा एनर्जी खाओगे बट उसको यूज कम करोगे, आपका बीएमआर अपने आप कम हो जाएगा। सोसाइटल इन्फ्लुएंस, मतलब सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस हिसाब से आपका फूड एक्सपेंडिचर भी रहेगा, तो उसी हिसाब से आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर रहेगा। इसके बाद आता है टू लिटिल और टू मच वेट। आपका वेट कम है तो आपको बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा और एनर्जी को बचाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपको फूड कम खाना पड़ेगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज लाइक वाइस वर्सा सिचुएशन। ओके, हेल्थ रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट एंड बीइंग ओबेस, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर एनर्जी एक्सपेंडिचर। जस्ट अ सेकेंड, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। एंड मैंने यहाँ पे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे कैलकुलेट करना है उसका एक फॉर्मूला भी लिखा है। यूजुअली आजकल जो बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर्स आते हैं ना, उसमें आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कैलकुलेट होता है। देर आर सर्टन एप्स ऑल्सो जो ये कैलकुलेट करते हैं, बट इनिशियली वी यूज टू यूज दीज फॉर्मूलाज, एंड टिल डेट वी डायटिशियंस यूज दीज फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट योर बीएमआर, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। अ मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू परफॉर्म योर बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, सर्क्यूलेशन एंड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। तो जितना आपको ये बेसिक फंक्शंस करने के लिए कैलोरीज चाहिए, दैट रिप्रेजेंट योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज मोस्ट एक्यूरेटली मेजर्ड इन लैब सेटिंग्स अंडर वेरी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, बट आज की डेट में ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। एक एवरेज आपको पता चल गया ना, आपको एग्जैक्ट बीएमआर पता करने की जरूरत नहीं है। आपको एवरेज भी अगर पता चल गया तो एवरेज आप यूज कर सकते हैं थ्रू एप्स और थ्रू बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर्स आल्सो। एंड दिस फॉर्मूला इज डिफरेंट फॉर मेन एंड फॉर वुमेन, एंड हियर यू हैव टू पुट योर हाइट एंड योर एज, ये आप डालेंगे तो आपको अपना
आपको एक फिगर मिलेगा विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 फिगर रहेगा उसमें, समवेयर अराउंड 1200 टू 1800 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, एंड दैट विल बी योर BMR. उसके बेसिस पे आप अपना जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको डिजाइन कर सकते हैं. बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन, ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, इट इज नीडेड फॉर होम्योस्टेसिस आल्सो. आपके बॉडी में जो बैलेंस है, पूरा आपके बॉडी का जो एसिड अल्कली का पीएच लेवल का जो बैलेंस है, टेम्परेचर का बैलेंस है, उसके लिए भी BMR नॉर्मल होना चाहिए. इट वुड बी इक्विवेलेंट टू एनर्जी एक्सपेंडिचर दैट इज ड्यूरिंग क्वाइट स्लीप. अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से आप 8 घंटा सो रहे हैं, तो आप आपको आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है जो ये स्लीप के दौरान यूज हो रहा है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू योर BMR. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बेड रिडन पेशेंट्स और पैरालाइज्ड पेशेंट, जो लोग मूवमेंट नहीं करते उनके लिए ये इक्विवेलेंट होता है. बिकॉज हम थोड़ा बहुत तो काम करने ही वाले हैं, थोड़ा मूवमेंट तो करने ही वाले हैं थ्रू आउट द डे. टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू बेसल ऑलमोस्ट समवॉट हायर 10%. तो हमारा टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है ना, वो बेसल जो हमने एनर्जी एक्सपेंडिचर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो देखा, इसके साथ आप अगर 10% ऐड कर देते हो ना, तो दैट विल बी योर अप्रोक्सीमेट एनर्जी एक्सपेंडिचर. तो हमको जब एनर्जी एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा, तो हमको कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो हमको पता चल जाएगा. वो दोनों जब एक दूसरे के साथ बैलेंस होते हैं, तो आपका वेट हमेशा बैलेंस रहेगा. इट रिप्रेजेंट 60-70% ऑफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर. जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसमें से 60-70% एनर्जी एक्सपेंडिचर ही होता है. यहाँ पे ये जो लीन और फैट फ्री मास हम बात करते हैं ना, ये एडिपोज टिश्यू जो हमारे होते हैं, जिसमें नॉर्मल फैट होते हैं, उसकी बारे में बात करें, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. लेट अस टॉक अबाउट रेस्टिक मेटाबॉलिक रेट. अभी BMR और RMB ये दो अलग चीजें हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. BMR जो बॉडी फंक्शंस के लिए यूज होता है वो है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म. आप रेस्ट करके जब भी हम ये जो है ना रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, हम एम्प्टी स्टमक फुल नाइट रेस्टफुल स्लीप होने के बाद ही मेजर करते हैं. दिस इज यूजुअली मेजर्ड इन द मॉर्निंग बिफोर यू ईट और एक्सरसाइज एंड अ फुल नाइट ऑफ रेस्टफुल स्लीप. तो जब भी आप रेस्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर रहे, तभी भी जितना एनर्जी यूज होता है ना, दैट इज RMB. बट आप जब भी थ्रू आउट द डे काम कर रहे हैं, वो काम करने के साथ जो आपका एनर्जी यूज हो रहा है ना, दैट इज योर BMR. द टर्म्स आर सिमिलर. मेनी एक्सपर्ट्स यूज बोथ टर्म्स टू डिस्क्राइब द सेम थिंग. एंड इसका जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला और विद एन इक्विपमेंट. ये ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है. आई एम सो सॉरी, दिस इज ओवरलैपिंग. दिस इज फैक्टर्स वंस अगेन. ये फैक्टर्स वंस अगेन रिपीट हो रहे हैं. सो लेट अस डायरेक्टली कम टू यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एनर्जी. ये हमने कल डिस्कस किया था. एनर्जी इज मेजर्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी. इंडिया में हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी. ये जो ये वाला जो है ना, यही हम यूज करते हैं. हम इंडिया में जूल्स यूज नहीं करते हैं. इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट में आपको जूल्स नहीं देखेगा. इट इज मैंडेटरी टू राइट किलो कैलोरी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ये वाली चीज मैंने कल जानबूझ के नहीं समझाई. कल मैंने आपको मेटाबॉलिज्म समझाया था. आई एम सो सॉरी. कल मैंने आपको मेटाबॉलिज्म समझाया था. मेटाबॉलिज्म यानी कि द केमिकल रिएक्शंस थ्रू आउट हमारे बॉडी में चलते रहते हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. दिस मेटाबॉलिज्म गेट्स डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स. वन इज एनाबॉलिज्म एंड अदर इज कैटाबॉलिज्म. अभी जब भी हम एनाबॉलिज्म का बात करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं. ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स
जब ये एनर्जी यूज करते हैं तो इट बिकम्स लार्ज मॉलिक्यूल. तो जब भी मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जिग्सॉ पजल है, तो वो जिग्सॉ पजल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मुझे अगर ज्वाइन करना है तो आई हैव टू पुट एफर्ट्स, राइट? एंड दैट एनर्जी इज एफर्ट्स. एंड वो होने के बाद जब भी वो एक पिक्चर बनेगा तो इट बिकम्स अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शन, जहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होके बड़ा मॉलिक्यूल बनता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कैटाबॉलिक रिएक्शंस, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड एज अ रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, तो जो एनाबॉलिज्म है उसमें एनर्जी यूज होती है, सो देयर इज एनर्जी एक्सपेंडिचर. एंड जब भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, सो देयर इज एनर्जी रिलीज. एंड ये जो रिएक्शंस है वो हमारे बॉडी में हमेशा बनते रहते हैं, हमेशा चालू रहते हैं. इसका मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. कल हमने ये बात किया था, देयर आर टू हॉर्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय पैंक्रियास, वन इज इंसुलिन एंड अनदर वन इज ग्लूकागॉन. अभी ये जो इंसुलिन है वो क्या करता है, इंसुलिन आपके ग्लूकोस के साथ एनर्जी को कंज्यूम करके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. बट जो ग्लूकागॉन है वो क्या करता है, ये आपके ग्लाइकोजन को जो आपके लीवर में, जो आपके फैट सेल्स में डिपॉजिटेड है, जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का मैंने कल बताया था, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसमें से जब ग्लूकोज रिलीज होता है तो एनर्जी भी रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय सेल्स. इज दिस वेरी क्लियर एवरीवन? इफ किसी को नहीं समझा है प्लीज आस्क. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये जो रिएक्शंस है हमारे बॉडी में डे एंड नाइट ईच एंड एवरी सेकेंड चलते रहते हैं. ठीक है, जब भी हमको एनर्जी की जरूरत है, जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था कि मैंने फास्टिंग, आई एम फास्टिंग, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, तो क्या होगा, मेरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा. तो बॉडी क्या करेगी, जो फैट स्टोर्ड है वहां से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा एंड एनर्जी मिलेगा एंड दैट एनर्जी विल बी यूज्ड बाय सेल्स. बट अगर मैंने चार रसगुल्ले खा लिए, मेरे पास बहुत ज्यादा ग्लूकोज जमा हो गया है और सेल्स को एनर्जी इनफ मिल चुकी है, ग्लूकोज के साथ हमेशा एनर्जी होती ही है, तो एनर्जी अगर सेल्स को ऑलरेडी मिल चुकी है और थोड़ा बच भी गया है, तो बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर देगा इन फैट्स. सो दिस इज एनाबॉलिज्म, दैट वॉज कैटाबॉलिज्म. एंड सच काइंड ऑफ रिएक्शंस कीप ऑन गोइंग थ्रू आउट द डे इन अवर बॉडी, डे एंड नाइट. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, देर आर सो मेनी अदर हॉर्मोन्स, देर आर सो मेनी अदर एंजाइम्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस. That is making your metabolism. All such kind of reactions together are making your metabolism. Clear this point? ठीक है? Okay. अगर ये समझ में आ गया तो हम जो आज का last हमारा topic है recommended dietary allowances, उस पे जाते हैं. And RDA जब भी हम बात करेंगे ना, तो मैंने I have tried to attach a picture of complete table, but understand this RDA. This recommended dietary allowance is always revised. So, आज से 20 साल पहले जो हम RDA यूज करते थे, जब भी मैंने आज से 27 साल पहले जब भी मैंने ये सीखा हुआ है, तभी हम जो RDA यूज करते थे, लास्ट डिकेड में हम जो RDA यूज करते थे, एंड दिस डिकेड वॉट RDA वी आर गोइंग टू यूज इज डिफरेंट. जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है? लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट कराते हैं हम लोग, ठीक है? तो उसमें क्या हम चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL. जब भी हम पढ़ाई करते थे
तभी कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल वॉज 300 280. दैट 280 गॉट रिड्यूस टू 250, दैट गॉट रिड्यूस टू 220, दैट गॉट रिड्यूस टू 200 नाउ. एंड अगर अभी आज की डेट में 200 है तो डॉक्टर बोलेंगे बॉर्डर लाइन पे है. सो दीज ट्रेंड्स कीप चेंजिंग. एग योग के बारे में सबसे बड़ा मिथ था, मतलब तभी था, अभी शायद नहीं है. इट वॉज सेड दैट एग योग में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है एंड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट डिजीज होते हैं. इन टूडेज डेट इट इज अ मिथ. इट इज क्लिनिकली प्रूवन दैट कोलेस्ट्रॉल अगर आप बाहर से कम खाते हो तो आपका लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है. एंड उसकी वजह से इफ योर लीवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. अवर लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. इट 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 डज 2500 फंक्शंस इन अवर बॉडी. उसमें से एक है कोलेस्ट्रॉल बनाना. तो अगर मेरा लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है उसकी वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन रहा है तो भी मेरा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. I have seen so many patients not having any fried food, not having any animal product, then too their cholesterol is high. Why? Because their liver is not functioning properly. Clear everyone? ठीक है. तो ये सारे जो RDA है वो revise होते रहते, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो latest वाला है उसको ही follow करना है. And I have given you the latest one which is revised last year. Sorry, it is revised in 2018 which is the latest used and published last year. ठीक है. तो लेट मी अलाउ यू टू शेयर द स्क्रीन अगेन. ओके, सो व्हाट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस दैट वी विल अंडरस्टैंड. सो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर रिकमेंडेड डेली. आपको कितना कौन सा न्यूट्रिएंट खाना है दैट इज रिकमेंडेड dietary allowance and it is revised periodically by Indian Council of Medical Research. It is called as ICMR. And another body fine. So we were talking about the recommended dietary allowance. It is decided by मतलब ये जो होता है ना वो ऐसे ही नहीं डिसाइड करते हैं. ये लेवल्स ऑफ इनटेक है ना चेंज करते हैं बिकॉज वो रिसर्च करते हैं थ्रू आउट. अभी जैसे हम लोग आरडीए की बात करेंगे तो आरडीए इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर एशियन पीपल. आरडीए इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर वेस्टर्न पीपल. ऑस्ट्रेलिया विल हैव देयर ओन आरडीए, यूएस विल हैव देयर ओन आरडीए, इंडिया विल हैव देयर ओन आरडीए. एंड ये डिसाइड करने वाले दो बोर्ड है आईसीएमआर एंड एनआईएन. एंड ये इसके बाद ये लोग मतलब आरडीए बनाने का रीजन क्या है कि मिनिमम इतना न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए. एंड इट इज मेड एज पर द माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है. ये जो आरडीए है ना इट इज रिवाइज्ड. अभी जैसे देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा एक ईयर. ओके, इट वॉज revised in 1978, then examined in 1988, and finally जो reprint हुआ है वो है in 2018. So 2018 के बाद अभी तक कोई भी changes नहीं आए हैं RDA में. तो मैंने यहाँ पे जो chart आपको share किया है RDA का वो 2018 के बाद का है. यहाँ पे आप देखेंगे तो summary of RDA for Indians in 2020. ये थोड़ा इमेज मूव हो गया है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं उसको ठीक कर देती हूँ. सो आई हैव टू डिस्कार्ड दिस एंड इसको थोड़ा अंदर ले लेती हूँ. आई थिंक दिस विल बी सीन नाउ. ओके, सो इट इज सीन नाउ. यहाँ पे आप देखेंगे ना, आई एम ट्राइंग टू जूम इट. तो हम लोग फर्स्ट जो एज ग्रुप और कैटेगरी है ना उसको पहले समझते हैं. तो एज ग्रुप के लिए दे हैव गिवन मेन. Men में they have given three categories, the sedentary, moderate and heavy. ये मैंने तीन category आपको कल बताए थे. Then women में categories बढ़ जाते हैं. ठीक है. So ये तीन तो आ ही गए. Along with that pregnant woman आ गया. Pregnant woman के बाद lactation woman में there are two categories again. One is 0 to 6 months and second is 7 to 12th month.
It is recommended to breastfeed the child till 12 months age. तो तभी तक का RDA इन्होंने अलग से यहाँ पे दिया है. अभी infants के लिए भी उन्होंने RDA अलग से दिया हुआ है. तो infants का usually 0 to 6 months के लिए follow नहीं होता है, because तभी breastfeed ही होता है. 6 to 12 months के लिए भी they have given कि उनको कितना body weight considered normal body weight क्या होता है, उनका protein कितना होना चाहिए, carbohydrate, वो सारा हम discuss करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. फिर children के लिए 1 to 3 years, 4 to 6 years, 7 to 9 years. 9 years के बाद children is divided into 2 categories again, and these categories are boys and girls. Okay. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉयज एंड गर्ल्स का कैटेगरी है 10 टू 12 इयर्स का, देन 13 टू 15 इयर्स का, एंड देन 16 टू 18 इयर्स का. एंड आफ्टर 18 इयर्स दे आर कंसिडर्ड एज एडल्ट एंड दे आर कंसिडर्ड एज मेन एंड वुमेन. क्लियर? अभी सेकेंड, अभी इसके बाद का जो है ना वो लाइन हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉडी वेट दिया गया है. सो बॉडी, नॉर्मल बॉडी वेट फॉर मेन इज कंसिडर्ड एज 65, and for female, for women it is 55. pregnancy mein it is considered that 10 kg weight gain hona chahiye. yahan pe aap dekhenge to unhone zyada importance diya hai protein and carbohydrate. CHO is carbohydrate, theek hai, because carbohydrate contain carbon, hydrogen and oxygen, isliye usko CHO bolte hain. तो अगर मेरा वजन 65 ग्राम है तो मुझे 54 ग्राम प्रोटीन चाहिए. इसका अगर हम लोग एवरेज देखेंगे ना तो दिस इज 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. इफ यू वांट टू राइट दिस, प्लीज राइट इट डाउन. द नीड ऑफ प्रोटीन एज पर लेटेस्ट रिवाइज्ड आरडीए इज 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट, फॉर मेन ऑल्सो एंड फॉर विमेन ऑल्सो. ठीक है, देन दे हैव गिवन हियर 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर बोथ ऑफ देम. कैल्शियम दोनों के लिए सेम है 1000 1000. मैग्नेशियम दे हैव गिवन, यहाँ पे आप यूनिट देखेंगे ना तो यूनिट चेंज हो रहा है, प्लीज चेक. इट इज ग्राम्स पर डे, बट कैल्शियम में देखेंगे तो इट इज मिलीग्राम्स पर डे, एंड आगे जाके माइक्रोग्राम्स भी आएंगे, आप देख सकते हैं आगे जाके. ठीक है, फिर आयरन का देखेंगे ना तो आयरन का नीड इज मोर इन फीमेल देन मेल, बिकॉज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन देयर इज ब्लड लॉस इन फीमेल्स एंड दैट इज व्हाई दे नीड मोर आयरन देन मेन. प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एंड दिस आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस इन प्रेग्नेंट वुमन, बिकॉज बच्चे का भी जो सिस्टम है, बच्चे को जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए उसके लिए. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट मेन एंड वेमेन, बाकी का प्रेफर कर सकते हैं किड्स का. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट जिंक. जिंक इज वंस अगेन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमको ऑलमोस्ट सारे ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिल जाता है, और अगर नीड देखेंगे तो बहुत ही कम है, 17 मिलीग्राम एंड 13 मिलीग्राम, विच इज वेरी वेरी लेस. अभी हम आते हैं आयोडीन पे. आयोडीन का अगर हम नीड देखते हैं तो इट इज इन माइक्रोग्राम. सो 150 माइक्रोग्राम इज 0.15 मिलीग्राम, विच इज वेरी 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 लेस. एंड अगर ये बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हाइपर थायराइड होता है. ठीक है, थायमिन इज विटामिन B1, राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2, नियासिन इज विटामिन B3, देन विटामिन B6, B9, ये सारे विटामिन्स के बारे में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फैट कहीं भी नहीं दिखेगा, बाकी आपको सभी कुछ दिखेगा. विटामिन B6 आ गया आपका, B9 आ गया, B12 आ गया, विटामिन C आ गया, A आ गया, D आ गया. As I already told you, vitamin E and K also are required in microgram. बहुत ही कम हमारे बॉडी में लगता है, इसीलिए उसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया. तो अगर एक बार जस्ट हम लोग ग्लैंस देखेंगे तो फर्स्ट वॉट दे रिकमेंड इज प्रोटीन. आई एम सो सॉरी, देन कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नेशियम, आयरन,
zinc, iodine, B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी एंड ए डी. अभी यहां पे आप देखेंगे तो माइक्रोग्राम में कौन से हैं, आयोडीन, विटामिन B12, B9, B6, विटामिन ए एंड विटामिन डी का जो यूनिट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, इट इज IU, इंटरनेशनल यूनिट्स. ठीक है, तो वो ग्राम्स में नहीं हम लोग करते, बिकॉज उसको जब भी हम बात करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में बात करते हैं, इसीलिए वो इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे में मेजर होता है. नाउ लेट मी नो इफ यू ऑल हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. एनी क्वेरीज मैम? प्रोटीन पाउडर के बारे में थोड़ा मीन्स प्रोटीन